हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, आज हम सीबीटी 2 का एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करेंगे बेंगलुरु जोन का। तो मैंने अभी तक सभी जोन का वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप दूसरे जोन से हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं कि वहाँ पर कितने कटअप बनाई गई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको भी मालूम होगा कि रेलवे में अभी तक टोटल वैकेंसी थी 64,371, जिसमें से बेंगलुरु जोन में था ALP के लिए 1623 और टेक्नीसियन में 1856। तो और जिसमें से एक्स मैन और डिसेबिलिटी कैंडिडेट का इसमें इंक्लूड नहीं है, उनका अलग से वैकेंसी है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कटअप की तरफ। तो दोस्तों, ALP की कटअप मैंने तैयार किया हूँ और ALP टेक्नीशियन और PCM तीनों का है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो CBT का एग्ज़ाम जो हुआ था, टोटल 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से कुछ शिफ्ट हार्ड भी थे, कुछ मीडियम भी थे और एक या दो शिफ्ट ईजी भी थे। तो आपको बता दूँ, अभी तक मेरे जानकारी के अनुसार, जितने अभी मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार, 21 का सेकेंड शिफ्ट एंड 23 का भी सेकेंड शिफ्ट, ये दोनों बहुत हार्ड थे और सब कंपेयर के मुताबिक। तो आपको बता दूं कि जब नॉर्मलाइजेशन होगी, जिनके पेपर भी और हार्ड होंगे उसको मैक्सिमम नंबर बढ़ेंगे और जिसके मीडियम रहेंगे उसके एवरेज ही नंबर बढ़ेंगे, और जिसके एकदम मतलब ईजी रहे होंगे पेपर तो उनको नंबर बढ़ भी सकते हैं या एक या दो नंबर भी बढ़ेंगे या न भी बढ़ सकते हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर इस कटअप के आसपास भी हैं आप, अगर प्लस है तो कोई बात नहीं है, वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर इससे नीचे है, मतलब 4 से 5 नंबर नीचे हैं, तब पर भी आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका पेपर हार्ड रहा होगा तो आपका नंबर मैक्सिमम बढ़ेगी, तो आप लोग इससे ऊपर चले जाइएगा। तो चलिए हम बात करते हैं ALP के कटअप के बारे में। यहाँ पे ALP की कटअप रहेगी 55 से लेके 60 तक। जनरल की कटअप, OBC की बात करें तो 52 से 56 तक, और SC ST की बात करें तो 48 से 52 तक। तो चलिए अब टेक्नीशियन की बात करें, तो टेक्नीशियन में ALP से 2 से 3 नंबर ज़्यादा कटअप रहती है, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ALP के लिए अभी 8 गुने साइको में बुलाया जाएगा और टेक्नीशियन में कोई नहीं है, तो इसीलिए इनके नंबर थोड़ा ज़्यादा रहती है। जनरल की बात करें तो 58 से 62, OBC की बात करें तो 54 से 60 और SC ST की बात करें तो 51 से 55। चलिए अब PCM के देखते हैं। PCM में बात करें तो PCM में आपको भी मालूम होगा कि रिवाइज रिजल्ट से पहले हर जोन में 15 गुना लड़के सेलेक्ट थे, लेकिन रिवाइज रिजल्ट आने के बाद सभी में 20 से लेके 35% तक, मतलब गुने लड़के तक सेलेक्ट कर लिए गए हैं। तो आप लोग भी जानते हैं, जैसे जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे तो उतने ही कंपटीशन बढ़ जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सीट इंक्रीज नहीं है, वो सेम के सेम है। तो यहाँ PCM की बात करें तो PCM 70 से 76 नंबर तक रहेगी जनरल की कटअप। OBC की बात करें तो 68 से 72 और SC ST की बात करें तो 63 से 65 है। तो दोस्तों, अगर आपका इस नंबर के आसपास भी हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, हो सकता है कि आपका पेपर हार्ड रहा होगा, तो नॉर्मलाइजेशन जब होगी, नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही है कि सबको इक्वल करके रिजल्ट देना, तो आपको मैक्सिमम नंबर बढ़ेंगे। अगर आपका एक्यूरेसी सही रही तो एक्यूरेसी भी नॉर्मलाइजेशन मैटर रखती है, जिससे आपका और भी नंबर इंक्रीज हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। नेक्स्ट अपडेट में हम आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।